हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्वस्थ आहार। आज हम बनाने जा रहे हैं दाल पालक। इसके लिए हमने करीबन आधा कटोरी दाल ऑलरेडी कुक करके रखी है, एक बड़ा प्याज चॉप करके, थोड़ा सा लहसुन, एक टमाटर, थोड़े से करी पत्ते, करीबन 100 ग्राम पालक। स्पाइसेस में हमने यूज़ किया है जीरा और राई, ऑयल, लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हींग और करीबन एक चम्मच सांभर मसाला। इसके लिए हम ऑयल गरम कढ़ाई में डाल लेंगे। अब हमारा ऑयल गरम हो गया है, अब हम इसमें जीरा और राई डाल देंगे। जैसे ही ये हल्के तड़कने लगे, इसमें हमारा कटा हुआ लहसुन डाल देंगे। थोड़ा सा जब लहसुन का कलर चेंज हो जाए, अब इसमें कटा हुआ प्याज डाल दें। अब हमारा प्याज हो रहा है, इसके साथ में ही करी पत्ता इसमें डाल देंगे। अब हमारी प्याज फ्राई हो रही है। हम प्याज को भूनेंगे जब तक कि ये कलर थोड़ा डार्क हो जाए इसका। अब हमारी प्याज भून गई है, अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। अब हम अपने मसाले इसमें डाल देंगे। हींग, लाल मिर्च पाउडर और सांभर मसाला। हमने अब इसे बस हल्का सौते किया है, अब हम इसमें कटे हुए पालक ऐड कर देंगे। अब हमारे पालक और टमाटर पक गए हैं, अब हम इसमें हमारी बनी हुई दाल ऐड करेंगे। अब हमने इसमें दाल मिक्स कर दी है, अब इसे अच्छे से चला दें और बॉईल आने दें। ये डिश साउथ इंडिया में काफ़ी फेमस है एंड इट्स वेरी हेल्दी, क्योंकि इसमें दाल में प्रोटीन है और पालक में आयरन है और बाकी सारे मसाले बहुत माइल्ड हैं। अब ये अच्छे से बॉईल हो गई है, नाउ इट्स रेडी टू सर्व। अब हमारी दाल पालक तैयार है सर्विंग के लिए। इसे आप रोटी या चावल किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, या आप इसे प्लेन भी खा सकते हैं, इट्स वेरी हेल्दी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड रिमेंबर, ईट हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। बाय।